तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अब आप सियासत के लिए ये टोपी, दाढ़ी, अचकन, पजामा। अबे साले रुको जरा, सबर। ये सियासत के लिए नहीं है, ये एक हमारे हैदराबाद के तहजीब का हिस्सा है। मैं इसमें अपने आप कंफर्टेबल महसूस करता हूँ कि सियासत के लिए नहीं करता। लेकिन ओ अल्लाह दी ओ माइटी चलो भाई। तो वाइफ को भी होगी क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसके अगले दिन सुबह विधानसभा में भाषण देने पहुंच गए। हाँ आप अच्छा ये रजत जी आपको पुराने जख्म कुरेदने की बड़ी बुरी आदत है। आप अपने घर को चले जाएंगे वापस, मुझे भी जाना है। तो अच्छा बात नहीं है। पूछिए। अभी यूएई में एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत से, तो उस चीज से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये तो यूएई का बादशाह जिस दिन मैं बन जाऊंगा कुछ जवाब दे पाऊंगा। मैं तो यूएई का बादशाह नहीं हूँ। कल तो ज्यादातर लोग हमने देखा जावेद अख्तर साहब भी जय सियाराम के नारे लगवा रहे थे। अच्छा, वो कब से मजहब में बिलीव करना शुरू कर दिया? वो तो एथिस्ट है ना। वो तो नॉन फैक्ट है, वो तो बोलते हैं कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान में जमहूरियत और डेमोक्रेसी बची हुई है तो वो हिंदुओं की वजह से बची हुई है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। मजा आया। इसलिए कि जमहूरियत अगर बची हुई है और बची रहेगी किसी भी हालत में, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। बताओ क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया, क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया, क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया, क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? एग्रीमेंट हुआ, मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दे दी। अच्छा, उस एग्रीमेंट पर किसने साइन किया था हिंदुओं की तरफ से? पंडित मदन मोहन मालवीय। समझ रहे हो? प्रेसिडेंट आवर उनकी बयान में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि हम मुसलमानों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी दे दें, उसके बाद हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। मजा आया। अरे भैया क्यों देंगे? मस्जिद मेरे बाप की थोड़ी है, मस्जिद मेरी माँ की थोड़ी है, मस्जिद तो अल्लाह की होती है। मस्जिद का एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर ताल्लुक नहीं है तो आपके भाई अकबरुद्दीन साहब औरंगजेब की मजार पर गए, वहाँ चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए। देखिए, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अच्छा, आज मोदी जी बहादुर शाह जफरी खबर पे गए, अच्छा था वो? बताइए आप। अच्छा। शिवाजी के पास मुसलमान थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है। अच्छा मार लिए, सुनिए, जब शिवाजी अफजल खान को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। ये बात नहीं बोलते।